दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त जमावड़ा लगा है। कांग्रेस के शीर्ष आलाकमानों का, शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस मुख्यालय में मंथन चल रहा है विभिन्न राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। राज्यों की सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है और माना जा रहा है कि लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आज कर दी जाएगी। सीईसी की बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड से। झारखंड की 7 सीटों पर भी फैसला होना है। निश्चित तौर पर झारखंड के नेताओं के लिए, झारखंड के प्रत्याशियों के लिए यह मंथन काफी उम्मीदों भरा और प्रभावशाली होने जा रहा है। तो बैठक जारी है, मंथन जारी है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या सामने आता है, चलिए एक बार रुक करते हैं अपने सहयोगी अमर का, समझते हैं उनसे कि झारखंड को लेकर क्या मंथन हो रहा है। अमर, झारखंड में अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है चौथे चरण में झारखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में अभी और देर हो सकती है। झारखंड में प्रत्याशियों की घोषणा में क्या लगता है, प्रत्याशियों के नाम छनकर आ जाएंगे, सीट बंटवारा क्लियर हो पाएगा झारखंड का? देखिए, ये सीईसी की मीटिंग चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कर रही है कि जो फर्स्ट और सेकेंड फेज का चुनाव है जिन राज्यों में, उन राज्यों के लिए आज सीईसी कर रही है और कल हो सकता है कि उनमें, उन लोगों में जो भी आज सीईसी में तकरीबन 100 सीटों के ऊपर जो है आज मंथन किया जा रहा है, उसके बाद कल हो सकता है कि एक लिस्ट को जारी किया जाए। लेकिन झारखंड में चौथे चरण में चुनाव है, इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि आज जो है सीईसी में झारखंड का मुद्दा को सामने रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कर ली गई है और स्क्रीनिंग के बाद उसको सीईसी में डाला जाएगा और उसके बाद जो है उस राज्यों के चुनाव का घोषणा किया जाएगा, उम्मीदवारों का घोषणा किया जाएगा जिन राज्यों में चुनाव एक या दो फेजों में होने वाले हैं। झारखंड में ये कहा जा रहा है कि चौथे फेज में स्टार्ट होगा ये चुनाव और यही वजह है कि अभी वहां थोड़ा वक्त है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले स्क्रीनिंग उन राज्यों को कर रही है जिन राज्यों में एक या दो फेजों में चुनाव होने हैं और इस वजह से आज जो है झारखंड का मामला नहीं है इसमें सीईसी में, क्योंकि सिर्फ झारखंड का भी स्क्रीनिंग का जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है और एक से दो दिन में जो है उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि चुनाव धीरे धीरे अब नजदीक है और ऐसे में झारखंड जो कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर राज्य में सरकार है जेएमएम और कांग्रेस को लेकर के, तो कांग्रेस चाहेगी कि वहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके आए और अपने उम्मीदवार को लिस्ट जो है जल्द से जल्द पेश किए, लेकिन चौथे चरण में होने के वजह से वहां थोड़ा अभी और उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ेगा। अमर, चौथे चरण में चुनाव जरूर है और उम्मीदवार तो इंतजार कर ही रहे हैं, झारखंड के जनता भी बात जो हो रही है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिनमें अभी भी मामला फंसता हुआ दिख रहा है। जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, आरजेडी ने पलामू और चतरा दोनों सीटों पर दावा ठोक दिया है। ममता भुइया को पलामू से उतारने की तैयारी है, सत्यानंद भोक्ता को चतरा से उतारने की तैयारी है और आरजेडी इन दोनों सीटों पर दावा ठोक रही है, जिसको लेकर अभी भी जिच कायम है। ये माना जाए कि सीटों का बंटवारे पर फाइनल फैसला अभी तक हो ही नहीं पाया है। सही कहा कि आरजेडी एक दबाव की राजनीति कर रही है, खास करके झारखंड की बात आप करें तो, और मुझे नहीं लगता है कि जो दो सीटें की बात कर रही है आरजेडी, वहां कांग्रेस पार्टी या फिर जेएमएम दो सीट देने के लिए तैयार है। हाँ, एक सीट देने की बात कही जा रही है, एक सीट उनको दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि पलामू लेना चाहते हैं या फिर चतरा लेना चाहते हैं, इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन लगातार जो उच्च अधिकारियों की जो मीटिंग चल रही है वो बिल्कुल जारी है और उसके बाद आरजेडी को ये कह भी दिया गया है कि आप दोनों में से एक सीट का आपको फाइनल करके मुझे बताइए ताकि हमें अपने उम्मीदवार का लिस्ट जारी करने में आसानी होगी। और ये बात जो वहां पर गए थे मुंबई में, वहां पर वहां के उनके तमाम जो बड़े नेता थे उनसे और राहुल गांधी की बात हुई है और कहा यह गया है कि एक सीट जो भी आप लेना चाहते हैं, पलामू चाहते हैं या चतरा, उस पर आप डिसीजन कर लीजिए और बता दीजिए और उसके बाद जो है हम अपने उम्मीदवार का लिस्ट को जारी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आरजेडी है वो दबाव की राजनीति कर रही है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमारी बात हुई है। अमर, निश्चित तौर पर कवायद तो कई हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो जानकारियां छनकर सामने आई हैं उसमें निश्चित तौर पर पलामू और चतरा दोनों जगहों से आरजेडी दावा ठोक रही है, दोनों जगह से सीट मांग रही है और इस मामले में अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आलाकमान की किस तरीके से इस जिज को खत्म किया जाए। बहरहाल
बिहार में भी सीटों का बंटवारा हो गया है, बिहार की सीटों के बंटवारे को भी ध्यान में रखना है। अभी उसको देखते हुए भी झारखंड की सीटों का निर्णय लिया जाएगा। कोडरमा से लेफ्ट ने दावा ठोक दिया है। नजर बनाए रखिएगा अमर, तब तक बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।